नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज आपके साथ बात करने जा रहे हैं भाई दूज के धार्मिक महत्व के बारे में। भाई दूज में ये धार्मिक महत्व के बारे में ये कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति यमुना नदी में स्नान करता है वो अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन यमुना तट पर यम की पूजा करने का भी विधान है। माना जाता है कि जो बहन अपने भाई को इस दिन प्रेम पूर्वक भोजन कराती है और उन्हें तिलक लगाकर उनकी सुख समृद्धि की कामना करती है वे सदा सौभाग्यशाली रहती हैं। जो भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाते हैं उसे यमदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन यमराज की पूजा के साथ चित्रगुप्त भगवान की भी पूजा होती है। ये कहा जाता है पुराने समय से कि बहन के घर भोजन करने और तिलक करवाने से पहले यदि भाई यमुना नदी में स्नान करने के बाद तिलक करवाएं और बहन के घर भोजन करें तो उन्हें यम के भय से भी मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन ये हर बार हर एक के लिए संभव नहीं है, तो इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं कि जो व्यक्ति यमुना में स्नान न कर पाए वो प्रकार से अपना त्यौहार मनाएं। स्नान करते समय किसी भी पवित्र नदी का जल या गंगा जल पानी में मिला लें और यमुना नदी के बारे में सोच के स्नान करें। और भाई दूज के दिन भाई और बहन दोनों को मिलकर सुबह के समय यम चित्रगुप्त यम के दूतों की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूर्यास्त के साथ ही इन सभी को भी अर्घ देना चाहिए। यम की पूजा करते हुए बहन प्रार्थना करे कि हे यमराज श्री मार्कंडेय हनुमान राजा बलि परशुराम व्यास विभीषण कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा इन 8 चिरंजीवियों की तरह मेरे भाई को भी चिरंजीवी होने का वरदान दें। प्रार्थना के बाद बहन अपने भाई का टीका करे, अक्षत लगाए और भाई को भोजन कराए। भोजन के पश्चात भाई यथाशक्ति बहन को उपहार या दक्षिणा दें। तो जो लोग यमुना में स्नान नहीं कर सकते हैं उनको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो इस प्रकार से अपने भाई दूज का त्यौहार मना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको पोस्ट अच्छी लगी हो तो बताइएगा ज़रूर, और आपने अपना समय दिया इस पोस्ट को देखने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।